हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन। तो पहले विद्यार्थी, हम जो है आर्किमिडीज से रिलेटेड कहानी को बताते हैं। तो आर्किमिडीज के समय में एक राजा हुआ करते थे। तो राजा ने अपने राज्य के किसी सुनार को बुलवाया और उनसे कहा, तुम मेरे लिए एक अच्छा सा मुकुट बनाओ। तो सुनार ने कहा ठीक है। तो राजा ने जो है सोने के बहुत से सिक्के उसको दिए। सुनार गया और बहुत सुंदर सा मुकुट बना के ले आया और राजा को वो मुकुट बहुत पसंद आया। तो राजा ने उसको अपने गले की चेन या कुछ पहने थे वो उस समय, उसको दिए खुश होकर। तो फिर राजा को खुफिया जानकारी प्राप्त हुई कि जो मुकुट बनाया है सुनार ने, उसमें मिलावट है। फिर राजा ने उस समय के साइंटिस्ट आर्किमिडीज को बुलवाया और कहा कि तुम इस मुकुट को बिना डिस्ट्रॉय किए ये बताओ कि इसमें मिलावट है या नहीं है। अब आर्किमिडीज बहुत परेशान हुआ और मुकुट लेके घर गया और समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्योंकि राजा जो है दंड भी देगा और उसका कहना मानना भी है। तो एक दिन वो स्नान कर रहे थे, तो जिस टब में स्नान कर रहे थे वो टब पानी से पूरी तरह भरा हुआ था। तो जैसे ही आर्किमिडीज उसमें पैर डालते हैं, तुरंत पानी बाहर गिरने लगता है। तो उस समय उन्होंने कहा, यूरेका, यूरेका मतलब आई फाउंड इट, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। तो ये कहते हुए वो जिस हालत में स्नान कर रहे थे उसी हालत में चले गए राजा के पास। तो राजा के पास बताए और वहां पता चल गया कि जो मुकुट बना है शुद्ध सोने का नहीं है, ये उन्होंने बताया। तो ये रही कहानी। अब मुकुट के बारे में जब चर्चा हो रही है, तो जैसे अगर वो सोने का बना होता है तो सोने का अपना एक डेंसिटी होता है, अगर उस डेंसिटी तक वो पहुंच जाते तो काम हो जाता। देखिए यहां पर दिक्कत यह है, मेन खेला इस टॉपिक का जो है वो डेंसिटी वाला है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मुकुट का मास तो मिल गया, लेकिन उसका शेप एंड साइज बहुत उबड़ खाबड़ होने की वजह से उसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाए। तो यही कंसेप्ट आर्किमिडीज ने अपनाया कि पानी से भरे किसी पात्र में मुकुट को डाल दिया और वो जो पानी गिरा मुकुट को डालने की वजह से, उस पानी को इकट्ठा कर लिया और एक सिलिंड्रिकल वेसल में वो पानी डाल दिया। मतलब मुकुट के डालने से जितना पानी बाहर गिरा होगा आर्किमिडीज में उसे इकट्ठा किया और किसी सिलिंड्रिकल वेसल में डाल दिया। अब इस सिलिंड्रिकल वेसल की सहायता से हम लोग इसका वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। वो पानी का वॉल्यूम कितना होगा वो मुकुट के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम इनको मिल गया, डिवाइड कर दिए इनको, इनका आंसर मिल गया, डेंसिटी पता चल गया। तो जो आर्किमिडीज ने डेंसिटी निकाला था वो एक्यूरेट जो सोने की डेंसिटी होती है उससे अंतर आया। तो जाहिर है कि आर्किमिडीज ने महाराजा को बताया कि ये मुकुट जो है प्योर सोने का नहीं है। तो राजा ने बाद में सुनार को दंड दिया होगा, ये अलग की बात है, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि इस टॉपिक का मेन जो है खेला है वो डेंसिटी का है, एवरेज डेंसिटी का है। तो यही हम आपसे बताना चाह रहे थे। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे बाउंड फोर्स। ये चीज देखा जाए, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में फुल्ली और पार्शली इमर्ज किया जाता है तो लिक्विड द्वारा ऊपर की ओर एक फोर्स लगाया जाता है। तो इस फिनामिना को कहा जाता है बायंसी और ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स को कहा जाता है बायंट फोर्स। तो एक बार डिफिनेशन को और क्लियर कर लिया जाए, इफ ए बॉडी इज पार्शली आर फुली इमर्ज इन ए फ्लूड इट एक्सपीरियंसेज एन अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द फ्लूड सराउंडिंग इट। This phenomena of force exerted by fluid on the body is called buoyancy and force is called buoyant force or
फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट। तो जो बायोंड फोर्स है उसी को फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट भी कहा जाता है, ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट कहिए चाहे बायोंड फोर्स कहिए, दोनों एक ही बात है। तो नोट में यहां लिखा है बायोसी इज अप्लाइड बाई फ्लूड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो विद्यार्थी जो हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगेंगे वो तो एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो नेट फोर्स कार्य करेगा वो ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो ये चीज है कंसेप्ट में आपका। तो ये नोट भी आपको अवश्य जानना चाहिए, बायोसी इज अप्लाइड बाई फ्लूड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो आगे का कंसेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब हम आर्कमिडीज प्रिंसिपल की स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। तो हम अभी पढ़ चुके हैं व्हेन यूर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज पार्शली और फुल्ली इन ए फ्लूड देन इट एक्सपीरियंसेज ए नेट अपवर्ड फोर्स कॉल्ड बायोंड फोर्स व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस्ड। जो बायोंड फोर्स होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस्ड के। यस, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फिगर की सहायता से भी समझ लेते हैं। यहां पे एक तराजू बना है और यहां पे एक पलड़ा है और ये दूसरा पलड़ा है। यहां लिखा है वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। ये मान लेते हैं कि यह एक्सपेरिमेंट स्वयं आर्कमिडीज ही कर रहे हैं। तो ऐसा फील करो कि ऑब्जेक्ट स्वयं आर्कमिडीज ही है। एक सिलेंड्रिकल वेसल है और इसमें यहां तक वाटर भरा हुआ है, उसमें स्वयं आर्कमिडीज अंदर चले गए। तो ऐसे केस में जो वाटर होगा वो यहां पे देखिए एक रास्ता बना हुआ है, वो चला जाएगा इसमें। तो यहां पे है वाटर डिस्प्लेस्ड बाई ऑब्जेक्ट। बाई ऑब्जेक्ट मतलब स्वयं आर्कमिडीज को भी आप मान लीजिए। अब फिर आर्कमिडीज निकलकर दूसरे वाले पलड़े में चले जाएंगे। अब यहां आर्कमिडीज स्वयं बैठ जाए तो ये देख रहे हैं कि वेट ऑफ आर्कमिडीज इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर होगा। वाटर कौन सा होगा, वाटर डिस्प्लेस्ड बाई ऑब्जेक्ट। तो ये वेट के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप यहां पे इस तराजू की सहायता से समझ सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को पार्शली या फुल्ली लिक्विड में इमर्ज किया जाता है तो ऊपर की ओर नेट फोर्स कार्य करता है जिसे बायोंड फोर्स कहते हैं, और वो जो है वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो डिफिनेशन को दोबारा क्लियर किया जाए, व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज पार्शली और फुल्ली इन ए फ्लूड देन इट एक्सपीरियंसेज ए नेट अपवर्ड फोर्स कॉल्ड बायोंड फोर्स। इतना तो लोग जानते हैं, यही समझना है व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस्ड। यहां पर आर्कमिडीज का वेट जो है ये डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान दिया जाए तो इस डिफिनेशन को हम इस फिगर की सहायता से समझे। अब इससे रिलेटेड फार्मूला प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए हम यहां आपको फिगर बनाए हैं। हमारा एक ऑब्जेक्ट है फ्लूड में इमर्ज्ड है और इसका सरफेस एरिया ए है, इसकी ये वर्टिकल हाइट एच दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो है और जिस लिक्विड में इमर्ज्ड हुआ है उसकी डेंसिटी छोटा सिग्मा है। पानी के ऊपर वाले लेवल से ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले सरफेस की हाइट है एच वन और ऑब्जेक्ट के नीचे वाले सरफेस से उसकी हाइट है एच टू। ये चीज ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले सरफेस पर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है एफ वन और ऑब्जेक्ट के नीचे वाले सरफेस पर ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है एफ टू। ध्यान दें तो डाउनवर्ड फोर्स एफ वन इक्वल टू हो जाएगा ए पी वन, प्रेशर होगा पी नॉट प्लस एच वन छोटा सिग्मा जी। छोटा सिग्मा ध्यान दें ये लिक्विड की डेंसिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्लूइड की डेंसिटी है ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान दें इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और ये पी नॉट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो ऊपर यहां पे रहेगा। ध्यान दें
और फिर अपवार्ड फोर्स एफ टू जो कार्य करेगा तो हो जाएगा ए पी टू, ए तो अपने स्थान पर रहेगा पी टू, फिर यहां पर नेट प्रेशर कितना होगा तो पी नॉट प्लस एच टू छोटा सिग्मा इंटू जी, इक्वेशन सेकंड नाम दे दीजिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं एज एच टू इज ग्रेटर देन एच वन सो एफ टू इज ग्रेटर देन एफ वन, एफ टू की जो वैल्यू होगी एफ वन से क्या होगी ज्यादा होगी, यस। और हॉरिजॉन्टल वाले जो फोर्स होंगे सब कैंसिल हो जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो सो नेट अपवर्ड फोर्स या उसे कहते हैं क्या बायंड फोर्स हो जाएगा एफ बी इज इक्वल टू एफ टू माइनस एफ वन, तो इसमें से इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो एपी नॉट कैंसिल हो जाएगा, इतने में से इतना घटाना है ए रहेगा हमारे पास, तो आ रहा है एफ बी इज इक्वल टू ए छोटा सिग्मा जी इन ब्रैकेट एच टू माइनस एच वन। ध्यान दें ये छोटा सिग्मा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, तो ए छोटा सिग्मा जी एच ए इंटू एच, ए इसका एरिया हाइट, ये हो गया क्या ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम हो गया। तो यहां एफ बी इक्वल टू जो हमारा फार्मूला आया वी इनसाइड छोटा सिग्मा इंटू जी, तो बायंड फोर्स लिक्विड की वजह से ऊपर की ओर लगता है, तो ध्यान दें यहां पे जो डेंसिटी प्रयोग किया जाएगा बायंड फोर्स में वो लिक्विड की डेंसिटी प्रयोग किया जाएगा, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें जो छोटा सिग्मा यहां पे प्रयोग किया गया है बायंड फोर्स में हमेशा लिक्विड की डेंसिटी ही प्रयोग किया जाएगा। वी इन का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट का लिक्विड के अंदर वाला भाग रहेगा, और टोटल डूब गया तो टोटल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम लिया जाएगा, और अगर हाफ इंटर किया है लिक्विड में तो यहां हाफ लिया जाएगा टोटल का, तो जितना भाग अंदर रहेगा उतना ही वॉल्यूम लिया जाएगा, इसीलिए यहां वी इन लिखा है, जरूरी नहीं है टोटल का टोटल ऑब्जेक्ट फुली डूब ही जाए, पार्शियली अगर इमर्ट करेगा तो वी इन लिखा जाएगा, वो पार्ट लिया जाएगा जो लिक्विड के अंदर है। ये किसके बराबर होगा तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब हम एप्लीकेशंस ऑफ आर्मिटेज प्रिंसिपल को देखते हैं। तो यहां पे एक वेसल में लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी छोटा सिग्मा है, और एक ऑब्जेक्ट फुली इमर्ज्ड है उसकी डेंसिटी रो है, और उसका वेट एमजी नीचे की ओर कार्य करता है और बायंड फोर्स ऊपर की ओर कार्य करता है। जो वेट कार्य करता है ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे की ओर कार्य करता है, जो बायंड फोर्स ऊपर की ओर वर्क करता है वो लिक्विड के अंदर जितना भाग इमर्ज रहता है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर की ओर वर्क करता है, यस। तो संयोग से यहां पे दोनों सेम है, दोनों एक ही पॉइंट से वर्क करेगा ऊपर की ओर और नीचे की ओर, वजह कि ये फुल्ली इमर्ज्ड है, अगर ये कुछ भाग इसका ऊपर होता तो बायंड फोर्स जो है डूबे हुए भाग के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर की ओर वर्क करता, ध्यान दें। अब यहां पर देखा जाए एक है अपेरेंट वेट, जब किसी लिक्विड में हम लोग इमर्ज होते हैं तो हमारा वेट जो है पहले कंपेरिजन में कम फील होता है, वही हमारा जितना फील होता है उसे कहते हैं क्या अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट के लिए हम लोग एक्चुअल वेट माइनस बायंड फोर्स करते हैं, तो एक्चुअल वेट मतलब एयर में समझ लीजिए, तो वेट मतलब एमजी, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम होगा और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और जी, ये हो गया एक्चुअल वेट एमजी हो गया माइनस बायंड फोर्स एफ बी। बायंड फोर्स में वॉल्यूम वो लिया जाता है जितना भाग लिक्विड के अंदर इमर्ज है, तो संयोग से टोटल इमर्ज है, मैंने टोटल वॉल्यूम ले लिया, और ये बायंड फोर्स लिक्विड की वजह से लगाया जाता है, लिक्विड की डेंसिटी हम लोग प्रयोग करेंगे कितना माने हम छोटा सिग्मा इंटू जी बस। तो यहां पे देखिए वी हमने बाहर लिया, रो माइनस छोटा सिग्मा, रो जो आपका है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है और छोटा सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी है, और ये बाहर जी भी काम ले लिए, यहां से रो फिर बाहर ले लें तो रो से डिवाइड भी करना पड़ेगा अंदर, तो रो बाई रो वन हो जाएगा और छोटा सिग्मा बाई रो ये रहेगा। देखिए यहां पे लिख लिए वी रो जी, आपको विश्वास नहीं होता तो रो को अंदर ले जाओ तो रो इंटू वन रो आ जाएगा, फिर यहां गुणा करोगे रो से तो रो रो कट जाएगा, फिर यही चीज आ जाएगा, यस।
अब ये क्या चीज है, एक्चुअल वेट डब्ल्यू लिख दिए, देखिए अपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट इन ब्रेकेट वन माइनस छोटा सिग्मा अपॉन रो। छोटा सिग्मा ध्यान दें यहां पर लिक्विड की डेंसिटी है, रो सॉलिड की डेंसिटी है जो हम लोग इमर्ज कर रहे हैं, तो ये हमें फील होता है, मतलब पहले कंपेरिजन में कम फील होता है। तो ये फार्मूला रटने की जरूरत नहीं विद्यार्थी, आपको ये लाइन, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर ये लाइन क्लियर है तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये तो फील हो रहा है, डिफरेंट टू वेट हो गया। हम अगर लॉस ऑफ वेट चाहते हैं तो क्या करें, तो जो फील हो रहा है एक्चुअल में से घटा ले। यस, तो लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट इन एयर माइनस एफरेंट वेट इन फ्लूइड, जो भी है आपका, इतना हमारा एफरेंट वेट आया। यस, और एक्चुअल वेट डब्ल्यू है, फिर डब्ल्यू में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यही हमारा बचेगा। यस, तो लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस वेट इन फ्लूइड, मतलब एपरेंट वेट, तो उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आएगा V छोटा सिग्मा G। छोटा सिग्मा क्या है, लिक्विड की डेंसिटी रहेगा, क्योंकि लिक्विड में लॉस होता है। यस, तो लिक्विड की ही डेंसिटी प्रयोग किया जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट आप जानिएगा। ध्यान दें, लॉस ऑफ वेट इक्वल टू वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, मतलब अपेरेंट वेट। यस, तो यही आएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट भी जानना चाहिए। बायंड फोर्स प्रोपोर्शनल वी इन, वी इन क्या है, बायंड फोर्स हमेशा क्या होता है, वी इन मतलब वैल्यू ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन फ्लूइड। बॉडी की वो वैल्यू लिया जाएगा जो लिक्विड के अंदर रहेगा, फ्लूइड के अंदर रहेगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो जितना ज्यादा लिक्विड के अंदर रहेगा बायंड फोर्स, उतना ज्यादा वर्क ऊपर की ओर करेगा, ध्यान दे। फिर कह रहा है वही बायंड फोर्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। नेचर ऑफ द, नेचर लिक्विड के नेचर का मतलब मींस डेंसिटी। तो जैसे यहां पे देखिए सी वाटर, समुद्र की जो डेंसिटी होती है वो प्योर वाटर के कंपेरिजन में ज्यादा होती है। यस, तो डेंसिटी ज्यादा होती है सी वाटर की, तो जाहिर है कि सी वाटर की वजह से उसी ऑब्जेक्ट के लिए बायंड फोर्स क्या करेगा, ज्यादा वर्क करेगा, जबकि प्योर वाटर में हमें बायंड फोर्स कम मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। यहां देखिए बायंड फोर्स फॉर सी वाटर इज ग्रेटर देन बायंड फोर्स फॉर प्योर वाटर। तो ध्यान दें, इसलिए कहा जाता है कि सी वाटर में फ्लोटेशन, तैरना क्या होता है, आसान होता है। इसलिए आसान होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, बायंड फोर्स ज्यादा कार्य करता है। प्योर वाटर में तैरना उसके कंपेरिजन में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर बायंड फोर्स हमको कम मिलता है। कम इसलिए मिलता है क्योंकि प्योर वाटर की डेंसिटी क्या होती है, सी वाटर के कंपेरिजन में कम होता है। तो इतना कॉन्सेप्ट भी आपको जानना चाहिए, तो आप इसे काफी कर लीजिए, तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट फ्लोटेशन हम स्टडी करेंगे। हाँ विद्यार्थी, अब हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, द फॉलोइंग थ्री केसेज आर पॉसिबल। तो पहला केस है इफ रो इज ग्रेटर देन छोटा सिग्मा। रो मतलब डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो यहां मेन खेल जो है डेंसिटी का है, ध्यान देना है। अगर सॉलिड की डेंसिटी या ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो ऐसे केस में बॉडी जो है फ्लोट नहीं कर पाएगा, लिक्विड में सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। तो यहां पे देखिए वेट विल बी मोर देन बायंड फोर्स सो द बॉडी विल सिंक। तो इस केस में ध्यान देना है। यहां से एक कंसेप्ट और निकलता है विद्यार्थी, कि अगर ये कंसेप्ट सही है तो स्टील की बनी कील जो है लिक्विड में डूब जाती है, जबकि स्टील का बना जहाज लिक्विड में तैरता है, तो वहां भी कंसेप्ट जो है वो डेंसिटी का है। यस, तो लोहे की कील जो डूब जाती है उसकी डेंसिटी जो है लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, इसलिए डूब जाती है। लेकिन लोहे का बना
जहाज या स्टील का बना जहाज उसका शेप ऐसा बनाया जाता है, कुछ इस टाइप से रहता है, तो वो जो है थोड़ा सा डूबता है और तैरता रहता है। जबकि ये भी स्टील है, क्या है, ये भी स्टील है, लेकिन विद्यार्थी इसके अंदर क्या होता है, एयर होता है। यस, तो इसका एयर का और स्टील का एवरेज डेंसिटी जब हम निकालते हैं तो लिक्विड के डेंसिटी से क्या होता है, कम आता है, कम आता है तो जाहिर ऊपर रह जाता है और तैरता है, तो यहां पे व्यवहार उल्टा हो जाता है। स्टील का बना कील जो है पानी में डूब जाता है, जबकि स्टील का बना जहाज पानी पर तैरता है। तो कील होता है उसकी जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होने की वजह से डूब जाएगा। स्टील का बना जहाज उसका ज्यादातर पार्ट ऊपर रहता है और एयर भरा रहता है। एयर और स्टील की जब हम एवरेज डेंसिटी लेंगे, कि जैसा कि इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो वो लिक्विड के डेंसिटी से कम आता है। कम आने की वजह से ऊपर वो तैरता रहता है, डूबता नहीं है। ये कारण आप बहुत ध्यान से समझें, डेंसिटी नहीं तो एवरेज डेंसिटी, भगवान कसम डेंसिटी का ही कॉन्सेप्ट हमेशा लगेगा। तो ये चीज आप सोचिएगा, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दें। सेकेंड केस समझा जाए, इफ रो इज इक्वल टू छोटा सिग्मा, मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी बराबर हो जाए तो क्या होगा। ऐसे केस में बॉडी जो है डूब कर तैरेगा, बायंड फोर्स और वेट क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो वही लिखा है, वेट विल बी इक्वल टू बायंड फोर्स, सो द बॉडी विल फ्लोट फुली सबमर्ज्ड इन लिक्विड, मतलब पूरी तरह डूब कर जो है फ्लोट करेगा, ये चीज कह रहा है वो। तीसरा और लास्ट केस है, इफ रो इज लेस देन छोटा सिग्मा। यस, रो मतलब डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ऐसे केस में वेट विल बी लेस देन बाइंड फोर्स, इसका जो वेट होगा बाइंड फोर्स से क्या होगा, कम होगा। सो बॉडी विल फ्लोट पार्शियली सबमर्ज्ड इन लिक्विड, मतलब कम भाग डूबकर जो है वो फ्लोट करेगा। ध्यान दें, यही तो जहाज के केस में होता है कि स्टील का बना जहाज, स्टील और एयर की डेंसिटी जब दोनों का एवरेज डेंसिटी हम लेते हैं तो एवरेज डेंसिटी हमारे लिक्विड की डेंसिटी से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये केस आ जाता है। तो कम हो जाता है इसीलिए वो तैरता रहता है। तो विद्यार्थी यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो इसका एक एप्लीकेशन भी हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फ्लोटेशन। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। तो यहां पर देखा जाए पहला भाग, व्हेन ए बॉडी फ्लोट्स देन द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू क्या होता है, अब थ्रस्ट। तो यहां पे एक बॉडी है जिसकी डेंसिटी रो है, ये ऐसे लिक्विड में फ्लोट कर रहा है जिसकी डेंसिटी छोटा सिग्मा है, इसका वर्टिकल हाइट एच दिया है, इसका वेट mg नीचे की ओर कार्य करेगा, वेट मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लिया जाता है, और बाउंड फोर्स ऊपर की ओर वर्क करता है, जो लिक्विड के अंदर का भाग होता है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर की ओर लिया जाता है। ये एक लाइन में पढ़ते हैं, अगर एक लाइन में नहीं पढ़ते हैं तो टार्क वर्क करता है, टार्क की वजह से फिर एक लाइन में हो जाते हैं इक्विलिब्रियम में। ध्यान दिया जाए, हम मानकर चल रहे हैं इसका x भाग एयर में है और h माइनस x भाग लिक्विड के अंदर है। यस, हमें तो यही पता करना है कितना वॉल्यूम एयर में है, कितना वॉल्यूम लिक्विड में है, कितना भाग एयर में है, कितना भाग लिक्विड में है, यही पता करना है। तो चलिए यहां से देखते हैं कंसेप्ट। तो ये दोनों बराबर होगा तो f नेट क्या होगा, जीरो होगा इक्विलिब्रियम में। तो f नेट जीरो होगा मतलब w माइनस fb इक्वल टू जीरो, तो हो जाएगा w इक्वल टू fb। W मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, ऐसा आप मानेंगे। तो V इसका टोटल वॉल्यूम है, रो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है और G है, इज इक्वल टू एफ बी, एफ बी मतलब बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स के लिए V इन मतलब सॉलिड का जो भाग लिक्विड के अंदर है उसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी रहेगा। ध्यान दें, बायंड फोर्स लिक्विड की वजह से लगता है, फ्लूड की वजह से लगता है, तो फ्लूड की डेंसिटी ही प्रयोग किया जाएगा।
बार बार ये बात बता रहे हैं। यहां से देखिए वी इन कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, ये हम जानना चाहे तो यहां से तुरंत हमारे मिल जाता है। वी इन इज इक्वल टू इतना अपान इतना, जी से जी कैंसिल हो जाएगा तो रो अपान छोटा सिग्मा वी। यस, अगर यही बात परसेंटेज में चाहते हैं तो वी इन अपान वी इंटू 100 इज इक्वल टू रो अपान छोटा सिग्मा इंटू 100। तो ये परसेंटेज में ये पता चल जाएगा कि लिक्विड के अंदर सॉलिड का कितना परसेंट है। यस, अगर परसेंट में नहीं चाहते, फ्रैक्शन में चाहते हैं तो 100 से प्रोडक्ट मत करिएगा, तो ये आ जाएगा एफ इन इज इक्वल टू वी इन अपॉन टोटल वॉल्यूम। एफ इन मीन्स फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इन साइड द लिक्विड, एफ आउट का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउट साइड द लिक्विड, तो वी आउट अपॉन वी हो जाएगा। ध्यान, जैसे वी इन का फार्मूला परसेंटेज में निकाल लिए, फ्रैक्शन निकाल लिए, वैसे वी आउट का भी निकाल सकते हैं। तो वी आउट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम में से इन वाला वॉल्यूम क्या कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले। तो यहां पे देखिए सब्ट्रैक्ट किए हैं, यहां कॉमन लिए हैं तो आया है 1 माइनस रो अपान छोटा सिग्मा इंटू वी। कितना पार्ट बाहर है अगर ये फाइंड करना चाहते हैं तो वी आउट अपान वी इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस रो अपान छोटा सिग्मा, उसे कहा जाता है एफ आउट, मतलब वी आउट अपान वी जो कैलकुलेशन में आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, उतना वॉल्यूम जो है बाहर की ओर होगा। लेकिन अगर बाहर वाला परसेंटेज में चाहते हैं तो वी आउट अपॉन वी इंटू 100, देखिए वी आउट अपॉन वी इंटू 100 तो बचेगा इतना इंटू 100। तो हल करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितना परसेंट वॉल्यूम जो है एयर में है। तो ये तो वॉल्यूम से रिलेटेड जानकारी हुई। अगर आप कितना हाइट ऊपर है एयर में, कितना हाइट नीचे लिक्विड में, ये फाइंड करना चाहते हैं तो यहां से थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा। देखिए V के स्थान पर लिखना होगा A, A मतलब इसका एरिया। यस, V के स्थान पर लिखेंगे A और इंटू इसका हाइट, तो ये हो गया वॉल्यूम। V इन के स्थान पर लिखेंगे A तो लिखा जाएगा लेकिन H के स्थान पर जो लिक्विड के अंदर है वो हाइट लिया जाएगा, तो वो है H माइनस X, बाकी सेम रहेगा। देखिए A कैंसिल हो गया, G कैंसिल हो गया, यहां से h इंटू रो इज इक्वल टू आया h छोटा सिग्मा माइनस x छोटा सिग्मा। x छोटा सिग्मा को इस तरफ ले आते हैं और h रो को उस तरफ ले जाते हैं, h कॉमन ले लेते हैं तो आएगा h बाहर रहेगा, इन ब्रैकेट आएगा छोटा सिग्मा माइनस रो। यस, x छोटा सिग्मा इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू, देखिए यहां से x इज इक्वल टू ये छोटा सिग्मा से डिवाइड करेंगे तो यहां 1 आ जाएगा, यहां रो अपान छोटा सिग्मा आएगा। मतलब कितना भाग ऊपर है, मतलब कितना पार्ट ऊपर दिख रहा है, इस फार्मूले से आपको पता चल जाएगा। तो x इक्वल टू इन ब्रेकेट 1 माइनस रो अपान छोटा सिग्मा इंटू h, कितना ऊपर है, अंदर चाहिए तो यही h में से x को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो कंसेप्ट पता होना चाहिए, मेन लाइन विद्यार्थी ये है, इसका ज्ञान अवश्य आपके पास होना चाहिए। ध्यान दें, अगर आप चाहते हैं कितना पार्ट क्या है लिक्विड के अंदर है तो ऐसे केस में h माइनस x कर लेना होगा, तो लिक्विड के अंदर वाला पार्ट पता चल जाएगा। पूरे में से भाई x घटा लेंगे तो यह लिक्विड के अंदर कितना पार्ट है वो पता चल जाएगा। तो यहां वॉल्यूम के रूप में है, वहां ऊपर नीचे वाले पार्ट के रूप में है। एप्लीकेशन में एक कॉन्सेप्ट और हो सकता है विद्यार्थी, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है और अलग अलग लिक्विड है, जैसा कि हम मान लिए सी वाटर, ये प्योर वाटर, इसकी डेंसिटी छोटा सिग्मा ए ले लिए और प्योर वाटर की डेंसिटी छोटा सिग्मा बी ले लिए, ऑब्जेक्ट वही है फ्लोट कर दिए, तो किसमें कितना भाग जो है ऑब्जेक्ट का लिक्विड के अंदर रहेगा इसका रेशियो अगर आप चाहते हैं तो एफ नेट इक्वल टू 0 होता है। तो यही फार्मूला हम फिर यहां लगा दिए, देखे वी इन ए छोटा सिग्मा ए इंटू जी इज इक्वल टू वी इन, इसके लिए बी छोटा सिग्मा बी इंटू जी, मतलब ये सिग्मा ए जो है सी वाटर की डेंसिटी है, सिग्मा बी प्योर वाटर की डेंसिटी है, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा। देखिए वी इन ए अपॉन वी इन बी इज इक्वल टू
सिग्मा बी अपॉन सिग्मा ए। तो यहां उल्टे का रिलेशन है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी उसका कम पार्ट लिक्विड के अंदर रहेगा, ज्यादा पार्ट ऊपर रहेगा, जिसकी डेंसिटी कम रहेगी उसका ज्यादा पार्ट लिक्विड के अंदर रहेगा। लिक्विड की डेंसिटी और इमर्ज्ड पार्ट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। विद्यार्थी, हमारा आज का ये कॉन्सेप्ट यहाँ समाप्त होता है। आप इस कॉन्सेप्ट का विधिवत अध्ययन करके आइएगा। अब हम आने वाले कल में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको पता लगेगा इस कॉन्सेप्ट की गहराई वास्तव में क्या है। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।